स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, शॉर्ट में SSI। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्यों रिसेंटली बढ़ा है, क्योंकि आजकल SSI के बजाय नया वर्ड आ गया है, स्टार्टअप। ठीक है, लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। सी, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड है। अब जब अमेरिका में गूगल ले लो, फेसबुक ले लो, टेस्ला ले लो, 10-10 हज़ार लोगों को निकाल रहा है, और ये अमेरिका में हो रहा था, इंडिया में रिलायंस रिटेल या कुछ लोगों ने भी एम्प्लॉयज़ कम किए हैं, क्योंकि जब मेट्रो मॉल को रिलायंस खरीदता है तो कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इंडिया में भी कम हुए हैं। और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स खुद, उनका सेल भी कम हो रहा है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, टेलीविजन, उनका तो स्ट्राइक चल रहा है, 3 दिन से वर्कर स्ट्राइक में है। और सबसे बड़ा ट्रेजेडी, वॉक्सवैगन का नाम सुना होगा, एक जमाने में वर्ल्ड नंबर वन, जर्मनी का प्लांट, उन लोगों ने बोला था हम एम्प्लॉय को निकालेंगे नहीं 2026 तक, उन लोगों ने बोला ये प्लान कैंसल, हम एम्प्लॉय को कम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग पेट्रोल डीजल में किंग थे। बट यूरोप बदल रहा है किसमें, ईवी में बदल रहा है। वॉक्सवैगन कहाँ, ईवी में वॉक्सवैगन थोड़ी सुना है तुमने, तो वो लोग प्लांट बाकायदा बंद कर रहे हैं जर्मनी में, ये हालत उनकी हो गई है, और बंद नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज को निकालेंगे। बट वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हुआ जो करोड़ों में है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, ये पहले भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ, आप या तो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में उतर जाओ। लिज्जत पापड़ सुना है, 12 या 15 रुपए से शुरू किया था 5 से 10 गुजराती औरतों ने, आज वो 1,000 करोड़ के ऊपर का संस्था बन गया है। जो फार्मिंग इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कॉटेज है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अंगूर से जो किशमिश बनते हैं नासिक के, ये बड़े फेमस है, ये फिर उसके अलग अलग प्रकार के जो वैरायटीज लोग बनाते हैं, ये सब काफ़ी डेवलप है। इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया डेवलपिंग है, क्योंकि अभी भी प्रोग्रेस तो चल ही रहा है। तो एक प्रकार का जो ये आइडियाज़ हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिसको आप सक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्रैनबेरी सुना है, क्रैनबेरी कुछ दारू के ब्रीजर में भी आता है, ड्रिंक्स में भी आता है। क्रैनबेरी एक कड़वा फ्रूट है जो अमेरिका में उगता है। अब उन्होंने क्या आइडिया किया, उन्होंने क्रैनबेरी को मीठा बना दिया यूजिंग केमिकल प्रोसेस या जो भी है, और आज इंडिया में क्या क्रैनबेरी का शौक है, क्रैनबेरी के चॉकलेट्स वो भी आते हैं, डेयरी मिल्क में भी क्रैनबेरी मिल जाएगा तुमको। सो बोलने का तात्पर्य है, उन्होंने एक आइडिया लिया, एक कड़वा जो है उसको मॉडिफाई किया, और नाउ इट्स अ थ्राइविंग बिजनेस, जो नासिक के बहुत सारे फार्मिंग जो मंगाते हैं वहाँ से क्रैनबेरीज को, अमेरिका से, बाकायदा उन्होंने प्रमोशन के लिए सेमिनार रखा था। और इंडिया अभी भी आंवला ले लो, आंवला का प्रमोशन सिर्फ आयुर्वेदिक तौर पर है, उसके मल्टीपल यूजेस कहाँ डेवलप किया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको तुम डेवलप करके, मैन पावर यूज करके, तुम प्रोडक्शन, सर्विसेज, गुड सब में ला सकते हो। बट एक मन में आप लोग के सवाल आएगा, सर रिलायंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, नहीं है तो क्यों नहीं, तो कैसे डिफाइन किया जाए। तो गवर्नमेंट ने, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एज क्या जरूरत है, 18, 18 के ऊपर तुमको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने करेक्टली डिफाइन किया है ताकि वो क्लैरिटी हो। एक होता है मशीन से काम करना, मटका जो बनाते हैं लोग मिट्टी से बनाते हैं, लेकिन आजकल वो मशीन्स बेस्ड हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कुछ लोग मशीन से बनाएंगे, कुछ लोग सेवा देंगे, सर्विसेज जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो पावर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, जिसमें 50 एम्प्लॉय से कम हो,
और वो जो पावर यूज नहीं करते, जहाँ पे 50 और 100 लोग के बीच में है, ठीक है, और जो कैपिटल रिसोर्सेज है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये कैपिटल, ये रकम है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके ऊपर है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने इसको डिफाइन करने के लिए माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का एक कायदा बनाया 2006। उसमें गवर्नमेंट ने डेफिनेशन दिया कि भाई बिजनेस को हम दो भाग में बांटते हैं, एक जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा मैन्युफैक्चरिंग, और एक जो सर्विसेज देगा। ऐसे दो पार्ट्स बनाया। मैन्युफैक्चरिंग में अब कैसे होता है, एक लाइसेंस में लर्निंग लाइसेंस होता है, एक परमानेंट होता है, एक टू व्हीलर होता है विदाउट गियर, विद गियर, एक फोर व्हीलर होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पहले बोला कि मैन्युफैक्चरिंग यदि सेक्टर है जो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हो, उसमें यदि इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है तो हम उसको माइक्रो बोलेंगे, मतलब माइक्रो इंडस्ट्री। 25 लाख से कम, जिसका 25 लाख से 5 करोड़ तक है, हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा। और 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है तो मीडियम। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, लार्ज कब होगा, जब अबव 10 करोड़ होगा। समझ में आए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री 10 करोड़ के ऊपर होगा। तो ये सब इन्वेस्टमेंट बेस्ड आधारित। अब सर्विसेज सेक्टर में जिसका ऐप हो, मोबाइल का ऐप हो, या ब्यूटी पार्लर हो, या जो भी सर्विस प्रोवाइड करता हो जिसमें गुड्स नहीं हो, टेंजिबल चीजें ना हो, उसको सर्विसेज सेक्टर बोलते हैं। तो उसमें 10 लाख से कम, छोटा मोटा जो बोलते हैं ना, छोटे मोटे ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर, या छोटे मोटे डॉक्टर, आयुर्वेदिक, ये 10 लाख से कम है जिसका इन्वेस्टमेंट। जिसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज़्यादा, 2 करोड़ से कम, उसको स्मॉल स्केल में आएगा। 2 करोड़ और 5 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा और 5 करोड़ के बीच, उसको मीडियम। सो इफ आई टेल यू कि एक ब्यूटी पार्लर है, उसका साल का बोलते ना इन्वेस्टमेंट 3 करोड़ है, तो तुम क्या बोलोगे, मीडियम स्केल एंटरप्राइज। आया समझ में, इन्वेस्टमेंट तुम कितना करते हो, ये टर्नओवर बेस्ड नहीं है, तुम कितना पैसा लगाते हो। अब एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसने 8 लाख लगाया, तो क्या बोलेंगे उसको, माइक्रो बोलेंगे ना, क्योंकि 10 लाख से कम हुआ ना। यदि अपने क्लास में मैंने 10-50 लाख रुपए लगाया, सब एयर कंडीशन किया, मस्त मशीन लगाया कोका कोला के, और कैंटीन तुम्हारे लिए दिया, तुम आए तो मस्त एकदम वेलकम, गूगल से आवाज आएगा वेलकम टू द क्लास, और बड़े बड़े टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट किए, ठीक है। सो दैट विल बी स्मॉल स्केल। नाउ डेफिनेशन जो है, ठीक है, एनी इंडस्ट्रियल यूनिट जिसको इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, ओनरशिप जैसे कि 1 करोड़ से ज्यादा है, एक इंडस्ट्री है जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, ठीक है, वो एक सातपुर में या अंबड़ में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इंडस्ट्री है, और 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, उसको भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल यूनिट। सो जब भी तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से पूछे जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये था मीनिंग और कंसेप्ट और डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द इंडियन कंटेक्स्ट। अमेरिका में सेम डॉलर्स में होगा, और इंडिया में एक्ट कौन सा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, 2-2.5 करोड़ तो कम से कम इंडस्ट्री होंगे, कम से कम इंडिया में। ओके, तो यहाँ पे खत्म होता है।